नेक्स्ट चीज यार, अब कुछ बाहुबली टिप्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी टॉप के 1% बच्चे में आने के लिए, बेसिकली आपकी टॉप की 10,000 रैंक में आने के लिए। मल्टीपल स्टडी मटेरियल यूज नहीं करना है, बहुत अंदर से मन करता है, हमारे दोस्त बोलते हैं क्या यार डीसी पांडे बहुत अच्छी है, गलत नहीं कह रहे, बहुत अच्छी किताब है भैया, बीएम शर्मा बहुत अच्छी है, गलत नहीं कह रहे, बहुत अच्छी किताब है भाई, एक एरियोडॉव नाम की किताब भी आती है यार, एक क्रोटोव नाम की किताब भी आती है, बहुत अच्छी है, गलत नहीं कह रहे, बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है भैया, एक प्रदीप दी किताब आती है मोटी सी, हाँ यार किताब तो काफी अच्छी है यार, एक एसएल अरोड़ा, हाँ एसएल अरोड़ा ही है ना वो यार, वो भी किताब आती है, वो भी काफी अच्छी है यार, एनसीईआरटी भी एक किताब है घटिया सी, पता नहीं क्यों लॉन्च कर दी, नीले नीले काले काले पन्ने, ठीक है, ये सारी किताबें बहुत अच्छी है। अरे यार वो रेजन मतलब इधर उधर का मटेरियल जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब फलाना कोचिंग एक्स वाई जेड कोचिंग है, इसका फिजिक्स अच्छा है, इसका केमिस्ट्री अच्छा है, इसका मैथ्स अच्छा है, ये सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं, सारी चीज अच्छी है, पर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि सारी की सारी कर लेंगे? नहीं है हमारे पास टाइम, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, अपना कोचिंग मटेरियल पकड़ लो, कोचिंग मटेरियल क्यों, मतलब आपके एरिया का अगर अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो यार वो कोचिंग मटेरियल बढ़िया होता है, ओके होता है, यूं नहीं कि तुम उसको पढ़ के फेल हो जाओगे या उसको पढ़ के कोई क्लियर नहीं कर सकता, सारे मटेरियल एक ही होते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स तो काफी बच्चे बोलते हैं भैया आप डीसी पांडे से पढ़ा रहे हो, भैया आप बीएम शर्मा से पढ़ा रहे हो, भैया आप फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ा रहे हो, भैया आप एसएल अरोड़ा के क्वेश्चन करा रहे हो, अरे एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, ये चीज समझने की कोशिश करो, अगर पूरी फिजिक्स को पकड़ लूंगा ना तो मात्र कुछ 10 से 15 हजार क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको इन किताबों में मिलेंगे, अलग अलग किताबों में बटे हुए हैं, इन किताबों को देख के ही कोचिंग मटेरियल बनता है, तो आपको एक क्वेश्चन काफी जगह मिल सकता है, समझ रहे हो, तो आप किसी भी एक को ढंग से कर लो, सारी करने की जरूरत नहीं है। और यार एक मेमोरी का आपको एक रूल बता देता हूँ, हमारी क्या होता है मेमोरीज है ना, मैप्स की तरह काम करते हैं, लेयर्स की तरह काम करती है, आपने वो देखे ना आयरन मैन मूवी 2008 जो पहला पार्ट निकल के आया था, तो जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को केव में बंद कर लिया था तो वो अपना पहला रोबोट मॉडल बनाता है आयरन मैन का, तो उसमें 3-4 पन्ने होते हैं और वो एक के ऊपर एक रखते हैं तब जाके पूरा रोबोट दिखता है, हमारी मेमोरीज भी कुछ ऐसी हैं, आप एक बार अपने उस किताब को निकालते हो एक लेयर बनी, आप दोबारा उसी किताब को उसी पैटर्न में देखते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन इस पेज के ऊपर वाले कोने में है, ये वाला क्वेश्चन नीचे वाले में है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहां सीखा था, उसके बाद मतलब एक लेयर सी बनती रहती है, समझ रहे हो, एक और लेयर फिर एक और लेयर, आप अपने नोट्स को रिवाइज करते हो कि यार जो मेरा 2D मोशन है वो इस पन्ने से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं, इनमें ये फंडा लग रहा है, उस प्रकार आपकी मैपिंग होती रहती है, और जितने आपके रिविजन लेयर लगते हैं सिंगल चीज के एक ही सोर्स से उतना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ये बात हम समझ गए हूँ। सर 11th की स्ट्रैटेजी बता दीजिए, 11th 12th यार दोनों की सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी का एस उल्टा थोड़ी ना आ जाएगा यार, 12th में आके सेम ही चीज है, सारे पॉइंट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, थोड़ा आराम से सुनते हैं। ठीक है सेम ही सब चीज बोल रहे हो, संगेज सिंगेज आपकी बीएम शर्मा ही होती है यार, तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार, हट जा सिम सिम, ओके, तो सारे स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ना यार, एक पकड़ लेना और उसको अच्छे से करते रहना, और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूं, नोट्स तो खैर जब हम पढ़ेंगे अपने आप मिल ही जाएंगे आपको, आपको बेसिकली असाइनमेंट वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं डाल दूंगा, एचसी वर्मा को बोल के क्या, अरे यार एचसी वर्मा तो भगवान है, उनको पढ़ के तो बाकी सारों ने किताबें लिखाई है, ठीक है, मतलब दो किताब भूल गया था यार, मेरे पे चढ़ना मतलब, समझ गया ना, मतलब बहुत सारी बुक्स है। अब स्टिक टू वन गुड मटेरियल एंड रिवाइज इट 3 to 4 times, वो सेम ही बात है, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एवेंजर्स के फैन इसको अच्छे से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएम, हम क्या करते हैं यार क्लास में चले जाएंगे, ये सबके साथ होता है यार, 90% बच्चों के साथ होता है, मजाक नहीं कर रहा, क्लास में चले जाओगे टीचर आगे पढ़ा रहे बोर्ड पे, आप या तो लिख नहीं रहे हो, लिख रहे हो तो अपने आधे मन से लिख रहे हो, और अगर आपने नोट्स लिख भी लिए तो भाई जब आप अपने घर आते हो तो आप उस चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, रिवाइज नहीं कर रहे हो, नहीं किया तो ये जो पूरा आपने प्रोसीजर किया ना इतना सारा, इसका कोई पॉइंट नहीं है सिवाय टाइम वेस्ट के, ठीक है, आपकी ने जो 2 सुबह रोटियां खाई थी ना उनकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई आपकी,
ठीक है, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो जब तक आप रिवाइज नहीं कर रहे हो कोई फायदा है ही नहीं। यूं सोचो जो चीज रिवाइज नहीं करी वो गई, वो फायदा करेगी नहीं। आपको एक्सटेंसिव नोट्स बनाने बहुत जरूरी है यार, अगर हो सके तो अलग अलग कलर के यूज करो, ठीक है, रेड यूज करो, ब्लू यूज करो, ब्लैक यूज करो, ठीक है, अलग अलग असाइनमेंट दे दो, ब्लैक से क्वेश्चन लिखूंगा, ब्लू से सारे नोट्स लिखूंगा, और रेड से जो सारी इंपॉर्टेंट चीज होंगी उन चीजों को मार्क करूंगा। तो आपके नोट्स क्या होते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, जितने कलरफुल होते हैं उतनी ज्यादा आपकी मैपिंग इजीली हो जाती है। 25 कलर भी यूज मत करना, 3 काफी होते हैं, 2 से 3। एक्सटेंसिव नोट्स होने चाहिए। बेसिकली मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ा रहे हैं, मान लो एक चैप्टर आपको लगभग 10 घंटे पढ़ाया, तो वो 10 घंटे की एक एक लाइन आपके नोट्स के अंदर होनी चाहिए। आपने क्लास में एक बार नोट लिखे, अब घर में जाके उसे 2 बार रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास जानी है, ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास लेनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने ये पॉइंट कर लिया उसका जेईई मेंस नहीं रुक सकता, रुक ही नहीं सकता यार। रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 times, रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 times, रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 times, ये भी दीवार पे लिख लो, आज अपनी सारी दीवार हम खराब कर लें, ठीक है, पन्ने पे लिख लो, डेस्क पे चिपका लो, अपने रिमाइंडर में लिख दो, फोन के ऊपर लिख दो, रिवाइज प्रीवियस क्लास 2 to 3 times। आज आपकी क्लास हो रही है, मान लो अभी आप जैसे नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अब क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको इन नोट्स को 2 बार रिवाइज करना है। भैया रिवाइज कहाँ करें, रफ कॉपी में करना है, ठीक है, तेज तेज लिखना है, अपनी सबसे अच्छी हैंडराइटिंग, मतलब सबसे गंदी हैंडराइटिंग दिखानी है, ठीक है, रफ कॉपी में तेज तेज बस लिखना है, हाथ से लिखना है। और यूं नहीं कि सिर्फ रीडिंग मार रहे हो, बस में जाते वक्त पढ़ लिया एक तरफ, अच्छा ये पढ़ा, नहीं, हाथ से लिखना है, हाथ को याद होना जरूरी है। और उसके बाद अपनी आप नेक्स्ट क्लास लो। तो यहाँ पे जो आपका जो बेस बनेगा ना यार, जो आपने ये 2 रिविजन कर लिया, भाई साहब एक्चुअली होता क्या यार, आपको एक बार जो आपने चीज पढ़ ली उसको रिवाइज करने का 2-3 महीने बाद ही टाइम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप शुरुआत में उसका, अरे पेन का ही नहीं चल रहे, जब आप शुरुआत में उसका बेस बनाओ तो वो सॉलिड हो, वो सॉलिड होगा तभी आप उसको, जब यार नेक्स्ट आपका जो एग्जाम हो रहा है, मान लो तो आपका 1 महीने बाद कोई एग्जाम हुआ, उससे पहले पढ़ोगे तो एकदम से क्लिक करेगा। उसके बाद दोबारा आपका भी कोई एग्जाम आया, हाफ सिलेबस एग्जाम आया, तब आप रिवाइज करते हो, उसके बाद कोई फुल सिलेबस एग्जाम आया, ठीक है, तब आप रिवाइज करते हो। तो यहाँ पे 3 बार आपका इधर रिवीजन हुआ, 1 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ हुआ, 1 बार मॉक टेस्ट में हुआ, ऐसे आपको पता चला आपके हर चैप्टर का 4 से 5 बार रिवीजन हो गया। अब पूछ लो इस चैप्टर में से कुछ भी, अब आप इजीली परफॉर्म कर दोगे। अब यार आप में से काफी लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उन्होंने तो शायद अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है, तो काफी अच्छी है, क्यों, क्योंकि हजारों बच्चे उस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं। तो वहां पे आप बेसिकली कोई भी परफॉर्म करते हो तो आप अपने आप को बाकी बच्चों से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपने ऑलरेडी किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो तो वो करो, पर जाना जरूर है, ठीक है। स्पेशली ड्रॉपर्स क्या होते हैं यार, 2-3 महीने बाद आपका मोराल डाउन हो जाता है, बोर वोर हो जाते हैं, मेरे दोस्त तो यार फेसबुक पे अच्छी अच्छी पिक्चर डाल रहे हैं, कॉलेज वॉलेज चल रहा है, ओके ठीक है, हमारे पास टाइम कम बचा है, 20 मिनट ही बचे। तो इसलिए यार टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तब आप देखते हो यार हजारों बच्चे मेरे जैसे भी हैं जो कि मेरी तरह ही पढ़ रहे हैं, अच्छा मेरी रैंक 300 आई, ये ऊपर के 300 बच्चों ने मेरे से ज्यादा पढ़ाई की है, इस बार मैं इन्हें पीछे करूंगा, अरे वाह मैंने 700 बच्चों को पीछे छोड़ दिया, ये फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है, अभी बताया नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज के नोट्स बनाने, ये तुम्हारी क्लास चल रही है, यहाँ पे आस्था चैनल नहीं हो रहा है।